हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी किचन टिप्स और यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी होगी। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए इसकी वजह से आपके पैसे भी बचत होंगे, साथ ही साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा और आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी सी किचन टिप्स और यूजफुल टिप्स होती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कौन से अपने पहले टिप्स हो कि बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट बहुत यूजफुल टिप्स है इस तरीके से चूड़ियों को लेके। देखिए, बहुत बार क्या होता है, कई सारी चूड़ियाँ हमारे पास ऐसी होती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसको रखने की वजह से अगर हमारे हाथ का साइज बढ़ जाता है, यानी कि कुछ छोटी चूड़ियाँ होती हैं जो कि हमारे हाथ में जल्दी नहीं आती हैं, तो जिसके वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार हम चूड़ी सिर्फ इसलिए नहीं पहन पाते हैं कि चूड़ियों का जो साइज है वो छोटा है और हाथ में नहीं आ पा रही हैं। चूड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं, पहनने का मन होता है लेकिन नहीं पहन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी टिप्स लेके आए आपके लिए। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कुछ टाइम के बाद से आपकी जो चूड़ियाँ आपके हाथ में नहीं आ पाती हैं ठीक से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉलीथिन की मदद से बहुत अच्छे तरीके से चूड़ियों को वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक पॉलीथिन को हाथ में लगाया और उसके बाद से इस तरीके से आराम से चूड़ियों को पहन लिया है। तो चूड़ियाँ जब छोटी होती हैं साइज से, तो आप इस तरीके से एक पॉलीथिन का यूज़ करके बहुत ही आराम से चूड़ियों को पहन भी सकते हैं, साथ ही साथ में चूड़ियों को उतार भी सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं पहले से इस स्टेप्स को फॉलो करती होंगे और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जिनको नहीं पता होगा वो एक बार इसको ज़रूर से आजमाइएगा। इससे आप पन्नी की मदद से छोटी से छोटी चूड़ी भी आप पहन सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाली टिप्स आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिए कॉपर की बॉटल। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने देखा होगा कि हम इसको अगर कुछ समय तक यूज़ करते हैं तो ऊपर से इसका जो कलर है वो ख़राब होने लगता है, कलर फेड होने लगता है, कई बार ये बॉटल जो ब्लैक पड़ने लगती है। कितनी भी अच्छी कंपनी की आप बॉटल ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, शाइनिंग नहीं रह जाती है पहले की तरह। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यकीन मानिए इसके वजह से जो आपकी कॉपर की बॉटल जो पहले बहुत ही गंदी दिखती थी देखने में, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लेना है कोई भी एक कॉलगेट जो भी आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद से थोड़ा सा कॉलगेट इस तरीके से बॉटल पे लगा देंगे। लगाने के बाद से यहाँ पे हम लेंगे नींबू। नींबू हमें वो वाला यूज़ करना है, यानी कि नींबू का छिलका यूज़ करना है, प्रॉपर नींबू यूज़ नहीं करना है, यानी कि नींबू हमने इसमें से निचोड़ लिया है इसका रस। उसके बाद से क्या करना है फ्रेंड्स, नींबू के छिलके की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। नींबू और कॉलगेट का जो रिएक्शन होता है, इसकी मदद से क्या होता है, कॉपर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। कई बार हमारे पास कॉपर का लोटा होता है, थाली होती है, या और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो उनको हमें क्लीन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से एक बार इस स्टेप को आजमा करके देखिएगा, आपके कॉपर के बर्तन एकदम ही चमक जाएंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में, जैसे कि उन्हें आप अभी लेके आए हैं। तो देखिए, पहले कितना गंदा दिख रहा था और अभी कितनी अच्छे तरीके से ये जो बॉटल है वो साफ़ हो गई, बहुत अच्छे से ही क्लीन हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाली टिप्स आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आप इस टिप्स को यूज़ करते हैं तो इससे आप अपने कॉपर के सारे बर्तनों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं अगली टिप्स कौन सी जो कि बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिए ब्लैक जींस। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, जो इस तरीके की जींस वगैरह होती है इनका यूज़ हमें हमेशा नहीं करना होता, यानी कि कभी कभी ही यूज़ करना होता है, लेकिन जब हम इसको अलमारी में रखते हैं तो कई बार क्या होता है, गंदी हो जाती हैं या फिर धूल वगैरह या फंगस वगैरह कई बार लग जाता है इसमें, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेता है अगर हम इसको ठीक से नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी टिप्स आपके लिए लेके आएँ। देखिए, आप इस तरीके से जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, अगर आप इस तरीके से जींस को बहुत ही अच्छी तरह से मोड़ करके रखते हैं हैंगर में, तो इससे क्या होगा, बहुत कम जगह भी घेरेगा और साथ ही साथ में आराम से आप जींस को कैरी करके रख पाएंगे। जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि किस तरीके से इसको फोल्ड करके रखना है, तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे करके इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसको फोल्ड करके रखना है हैंगर में। इससे बहुत अच्छे से जींस को हम कैरी करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वाली टिप्स अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लिया है खाली चश्मे का बॉक्स। अच्छा, हर घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि चश्मे का यूज़ करता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, चश्मे का यूज़ तो हम कर लेते हैं लेकिन इसका जो बॉक्स है इसको हम फेंक देते हैं वेस्ट समझ के। लेकिन फ्रेंड्स, आज चश्मे के बॉक्स को हम फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत अच्छा से यूज़ करेंगे। किस तरीके से यूज़ करना है चलिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे हमने कुछ मेकअप आइटम्स लिए हैं, जैसे कि मान लीजिए सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया या लिपस्टिक वगैरह, जो भी आप मेकअप का सामान है आपके पास वो आप ले सकते हैं। अच्छा, क्यों रखना है इसमें मेकअप का सामान? फ्रेंड्स, इसमें मेकअप का सामान इसलिए रखना है, देखिए कई बार क्या होता है, हमें एक दिन के लिए या फिर दो दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है और हम ये सोचते हैं कि पूरा मेकअप का बॉक्स तो नहीं लेकर के जाएंगे। अगर थोड़ा सा सामान लेके जाना है मेकअप का तो पूरा बॉक्स तो नहीं ले जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें ले जानी होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत ही अच्छे से अपने चश्मे के डिब्बे में आप कोई भी अपने मेकअप का सामान, जैसे लिपस्टिक, बिंदी या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे से इसमें रख सकते हैं। क्योंकि एक दिन दो दिन के लिए जाना होता है तो बहुत सारा सामान लेके जाने की ज़रूरत तो नहीं होती है, थोड़ा सा ही ले जाना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चश्मे के डिब्बे में डाल के सारे सामान को और बहुत ही अच्छे से कैरी करके लेके जा सकते हैं। और सच मानिए, बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। इससे क्या रहता है, सामान सब एक जगह रहता है, इधर उधर बिखरता नहीं है। तो अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही अच्छी अच्छी किचन टिप्स और यूजफुल टिप्स हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है फ्रेंड, जो कि बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिए शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम यहाँ पे अच्छे से कट करेंगे। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, जब कम क्वांटिटी में शिमला मिर्च को हमें कट करना होता है तो बहुत ही आसानी से कट जाता है, लेकिन वहीं अगर शिमला मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में कट करना हो तो बड़ी दिक्कत होती है। क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जिसके वजह से हमारा शिमला मिर्च जो है एक ही बार में कट भी जाए, इसके बीज भी अलग ना करना पड़े और ज़्यादा झंझट भी ना हो इसको कट करने में। तो यहाँ पे हमें बीच से शिमला मिर्च को बहुत ही अच्छे से कट कर लेना है, पहले उसको धोना है, उसके बाद इस तरीके से कट कर लेना है। और करने के बाद से आप देखेंगे कि इसमें जो भी बीज है वो भी अलग हो जाएगा, उसको आपको अलग से अलग करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही में ये शिमला मिर्च जो है वो कट भी जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीका है फ्रेंड शिमला मिर्च को कट करने का, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा हम हाथ लगाएंगे शिमला मिर्च में तो आखिर होती तो ये भी मिर्च है, कई बार हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है इसकी वजह से। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी टिप्स का यूज़ करें, यानी कि छोटी सी टिप्स का यूज़ करें और बहुत ही अच्छे से ढेर सारी शिमला मिर्च को इस तरह से आप काट के अलग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टच भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बहुत आराम से आप शिमला मिर्च को कट कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में कट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है एक किलो, दो किलो, तीन किलो, जितना अगर किसी भी रीजन से कट करना पड़ जाता है शिमला मिर्च, तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है, हाथों में जलन होने लगती है। तो अगर आप इस टिप्स का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, आप सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे और ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स कि आप लोग को ज़रूर से पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स कौन सी है जो कि ऐसे ही बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बॉटल्स होती है जिनको हम फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आज हम बॉटल्स को फेंक देंगे लेकिन उसका ढक्कन रखेंगे, क्योंकि आज हमें बॉटल की ज़रूरत नहीं, इसके ढक्कन की ज़रूरत है। आज हम सेम दो ढक्कन लेंगे और लेने के बाद से यहाँ पर हम लगाएंगे डबल टेप। तो यहाँ पर दोनों बॉटल ढक्कन पर बहुत ही अच्छे से डबल टेप लगा लेनी है और उसके बाद से इस तरीके से इसको छुटा भी देना है। चलिए बताते हैं इसका क्या करना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने किचन की टाइल पर दोनों ढक्कन को अच्छी तरीके से चिपका दिया है। ये बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए, एक चिपक गया और इसी के साथ में हम दूसरा भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जितनी भी एक्स्ट्रा बॉटल्स हैं उनके ढक्कन आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखिए हमने दोनों बॉटल को इस तरीके से दीवार में लगा दिया और लगाने के बाद से आप इसमें कोई भी सामान आप इसमें आराम से टांग करके रख सकते हैं। अब आपको एक्स्ट्रा स्पेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप अपने किचन टॉवल्स वगैरह भी इसमें आराम से हैंग करके रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइजर है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वाली टिप्स भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, आगे देखते हैं अगली टिप्स कौन सी है। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, जब हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में लहसुन को छीलना होता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको मान लीजिए आधा किलो, एक किलो या दो किलो जितना लहसुन छीलना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा छीलना हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है लहसुन की तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि उसको किस तरीके से छीला जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी से लहसुन को छील पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने लहसुन की कली को अलग कर लिया है पूरी तरह से, देखिए एक एक दाने को छुटा दिया है। उसके बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रखेंगे दूध गर्म होने के लिए। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम चावल बना रहे होते हैं या दूध गर्म कर रहे होते हैं तो क्या होता है,
इस टाइम पे अगर हम लहसुन को इसके ऊपर रख देते हैं तो क्या होगा, लहसुन जो है भाप से बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। नरम होने की वजह से क्या होता है, इसका जो छिलका है खुद ब खुद छूट जाता है। तो मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं या फिर दाल बना रहे हैं या फिर दूध गर्म कर रहे हैं या फिर पानी गर्म कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक छन्नी रख दीजिएगा इस तरीके की, और रखने के बाद से आप इसके ऊपर सारे लहसुन को रख दीजिएगा, और फिर जब आप इसको ढक देंगे तो बहुत ही अच्छे से जो भाप निकलती है उसकी वजह से बहुत अच्छे से लहसुन जो है नरम पड़ जाएगा, इसका छिलका आराम से हम छुटा पाएंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस जाली पे हम छोटे छोटे लहसुन को रखेंगे तो दूध में गिर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो लहसुन है वो छोटा है, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से अलग अलग करके नहीं, पूरी जो छोटी छोटी कली होती है ना, पूरी कली को ही रख दीजिएगा, यानी कि पूरा एक साबुत लहसुन इस तरीके से रख के फिर उसको आप ढक दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से टिप्स है फ्रेंड्स, उसको आप ज़रूर से आजमाइएगा। और देखिए यहाँ पे हम आपको लहसुन छील के भी दिखाते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से लहसुन जो है पूरा नरम हो गया, जिसके वजह से इसके सारे छिलके आराम से छूट जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना है लहसुन, तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप आराम से सारे लहसुन में स्टीम लगा के फिर आप छील सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है लहसुन को छीलने में, फटाफट से सारा लहसुन जो है छील जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वाली टिप्स ज़रूर से आपको पसंद आई होगी, एक बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप दूध नहीं रखना चाहते तो उसकी जगह पे आप पानी रख दीजिए, पानी गर्म होता रहेगा और लहसुन में स्टीम लगता रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही।